हाँ जी बेटा, आ रहे हो हाँ क्लास में सारे? गुड मॉर्निंग भी होती है शायद थोड़ी बहुत, मुझे जज से पता है कि पता नहीं आप गुड लोगों मॉर्निंग। को पता है। तो गुड सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, ठीक हो सारे? फिट एंड यस सर। फाइन? यस सर। ओके। आपको वो अपना जो कास्ट सिस्टम वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है? वो जो चैप्टर था वो हमने कर लिया है कंप्लीट। ये मंजीत कौन है भाई? नाम लिखा है भी, किस क्लास में है, कौन है, सेक्शन क्या है इसका, कौन है बेटा ये मंजीत? मंजीत कौन है भाई? ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप बताते नहीं हो। है बेटा क्लास में कोई बच्चा मंजीत नाम से आपकी क्लास में, दोनों सेक्शन में, ट्यूलिप जैस्मिन में? सर बिंदर वो हर बार ऐसा क्यों करती है? नहीं तो मैं तो क्लास से अभी ने एक मुझे पता मिनट में अभी ना वो बाहर चली जाती क्लास से अभी। चलो, मैंने उस दिन आपको कहा था कि हमने अपना जो चैप्टर था वो आप भी कहा है उस दिन, क्या कहा है कि हमने अभी अपना जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। कौन सा वो आप ही को पता ही है अभी, कौन सा चैप्टर था हमारा? वो था कास्ट सिस्टम वाला, ठीक है जी। उसे क्वेश्चन आंसर भी शायद मैंने टिक करके भेज दिए थे, खुद भी ढूंढ सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है कि वो आपको भी मिलते नहीं है ना? ऐसा कुछ तो नहीं भी आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते बेटा? बोला करो, बाद में बात तो दूसरी फिर करेंगे ना। अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा हमें कि वो समझ में आया या नहीं आया? अब बात करता हूं मैं आपके साथ। हमारा चैप्टर है नेक्स्ट है जिसका नाम है जुडिशरी। ये वो चैप्टर है बेटा जो मैम आपके बोल के गए थे कि ये जो चैप्टर है, आपको दो चैप्टर अपने पेंडिंग थे मेरे लिए जो मुझे आपके करवाने थे, एक तो ये है जुडिशरी वाला और कास्ट सिस्टम वाला। 1 मिनट। तो यही दो चैप्टर थे जो हमने करने हैं, बाकी आपको रिवीजन करवा दूंगा आपके चैप्टर्स की ना, टाइम मिलेगा तो करवा दूंगा आपको। अब मैं सीधा टाइम नहीं वेस्ट करता, आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखिए, बेटा चैप्टर नंबर आपका 25 है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 25 द जुडिशरी क्या होती है, पता है आपको जुडिशरी क्या होती है? किसी को पता हो बताओ फिर। अदालत का नाम सुना है किसी ने? कोर्ट का, न्यायालय का? अरे बोलो भाई, सुना ना अदालत? यस हाँ, अगर किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है हमारा, फाइट होती है, तो केस होता है, तो फिर केस कहाँ पे जाता है? कोर्ट में जाता है, घर में सुलझ जाता है? कोर्ट में जाता है ना। हाँ, कोर्ट में। तो कोर्ट में वकील होते हैं जो हमें करना पड़ता है आपको केस लड़ने के लिए। दोनों टाइप्स, दो अगर आप दो आदमियों का मुकदमा है तो दो आपके पास वकील है, एक आपका एक उनका होता है, फिर वो आपका मुकदमा लड़ते हैं एक दूसरे से मिलके, और फिर वो जो भी फैसला आता है वो मानना पड़ता है हमें, ठीक है जी। और वैसे होता सिस्टम ऐसा कि जो जुडिशरी होती है उसमें सबसे लोअर कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, फिर स्टेट कोर्ट आता है जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं आता, ठीक है जी। हम बात करते हैं यहाँ से, ये ओवर अबाउट द चैप्टर के बारे में पढ़ना बेटा, कौन पढ़ेगा?
ऋषभ हट बेटा। यस सर। आप पढ़ो। चैप्टर नंबर 25 द जुडिशियरी अबाउट द चैप्टर इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट द जुडिशियरी The judiciary plays a crucial role in the functioning of India democracy. It plays such an important role only because it is independent. This means that it is free from the control of other organs of the government. We know that in India we have the rule of law. That is, the law apply equally to all persons and A certain set of fixed procedures are followed. If a law is violated, it is the judicial system consisting of the mechanism of that a citizen can approach in the case of violation of the law. ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपको। The जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका, जिसको हम कोर्ट बोलते हैं, उसने बोला है, पिछले चैप्टर में आपने स्टडी किया था जी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव पता क्या है आपको, पहले पढ़ा होगा आपने। लेजिस्लेटिव होता है जहां पर MLA MP जाते हैं विधानसभा में या फिर संसद में। MLA होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम MLA बोलते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP कहा जाता है। MP दिल्ली जाते हैं संसद में और MLA विधानसभा में जाते हैं। तो वहां पर ये कानून बनाते हैं, कानून पास करते हैं, उस पर एग्जीक्यूटिव होता है जो कानून को लागू करवाते हैं आगे। ऑफिसर जिसमें SDM हो गया, तहसीलदार हो गया, DM हो गया, SP हो गया, IPS वाले हो गए, IAS वाले हो गए, जिसमें आपके कलेक्टर आते हैं या फिर आप क्या बोलते हैं वो, हाँ कलेक्टर ही बोलो आप उसको, वो आते हैं इसके अंदर। वो जो सरकार जो कानून बनाते हैं उनको लागू करवाने का काम इन ऑफिसर्स का होता है। ये दोनों ही ऑर्गन्स है किसके, गवर्नमेंट के। अब पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने तीसरा ऑर्गन है सरकार का वो रीड करना है जिसका नाम है जुडिशरी, न्यायपालिका। द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए जो जुडिशरी है न्यायपालिका, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर, उसके फंक्शन को सेटअप करने के लिए। इट प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस है, आजाद है, इसके ऊपर किसी दबाव नहीं होता, तो ये इसकी इंपोर्टेंस अपने आप कुदरती रूप से बढ़ जाती है। दिस मीन्स दैट इट इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये दूसरी जो ना बिल्कुल फ्री होती है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो जो दूसरे ऑर्गन है सरकार का, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो लेजिस्लेटिव है, इन दोनों का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये फ्री है, तो ये फ्री होकर काम करती है। वी नो दैट, हम जानते हैं इन इंडिया, इंडिया के अंदर वी हैव द रूल ऑफ लॉ, इंडिया में कानून का राज है। दिस इज द लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द पर्सन, ये जो कानून है सभी में सभी के ऊपर बराबर लागू होते हैं। एंड ए सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स आर फॉलोड, और एक बिल्कुल सर्टेन और फिक्स्ड जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है, हर किसी के ऊपर होता है। इफ ए लॉ इज वॉलेटर, अगर कानून तोड़ा जाता है सबके लिए उसको सजा भी बराबर मिलती है। इट इज द जुडिशरी सिस्टम, यही न्यायपालिका का प्रणाली है हमारी। कंसिस्टिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स, क्योंकि जो कंसिस्टिंग रूप से जो कोड है वो अपना काम करता है। दैट ए सिटीजन कैन अप्रोच इन द केस ऑफ वॉलेशन ऑफ द लॉ, अगर कानून कोई तोड़ता है, वॉलेशन करता है लॉ का, तो कोई भी सिटीजन कोई भी अपना केस लेकर कानून के पास जा सकता है, न्यायपालिका में जा सकता है। अब यही इसके ग्लोजरी ज्यादा बड़ी नहीं है, 4-5 ही है, मैं बोल देता हूँ आपको। ऑफेंस होता है बेटा क्राइम, यानी कि जुर्म करना, अपराध करना।
इंटीग्रेटेड होता है जी, यूनाइटेड इन द इनटू ए होल, जब बिल्कुल इकट्ठा हो जाए कोई चीज। हायरार्की, ए सिस्टम इन विच पीपल आर और ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ये हायरार्की होता है बेटा ऊपर से लेकर नीचे तक, या नीचे से लेकर ऊपर तक, एक संस्था के रूप में काम करना। जुरिस्ट होता है एक्सपर्ट इन लॉज, जो कानून के ज्ञाता होते हैं, जिनको लॉ का पता होता है भी ये कानून है। रेवेन्यू क्या होता है जी, सभी को पता है इनकम, इनकम होती है उसको रेवेन्यू बोला जाता है। मंजोत कौर बेटा आप पूरा आप पढ़ो आगे, मंजोत आप इसको पढ़ो। द रूल ऑफ अ कंट्री, बेटा आपकी ना आवाज बिल्कुल भी नहीं आई, कोई दूसरा बच्चा तो बोलते हैं जी, दूसरा बच्चा भी देखते हैं। महकनूर आप पढ़ना बेटा, अब उसकी मंजोत की आवाज नहीं आई। यस सर। हाँ आप पढ़ो। द रूल्स ऑफ अ कंट्री आर नोन एज इट्स लॉज। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री हैज टू मेक श्योर दैट पीपल ओबे द लॉज, इफ दे डू नॉट दे आर पनिश्ड। द पुलिस, the court and the prison service carried out the law together, they make up a system of law and order. agla padh do beta, padho padho padho. India has one of the oldest legal system in the world. Its laws and jurisprudence stretches back into the centuries, forming a living tradition which has grown and evolved with the lives of its diverse people. India's commitment to law is created in the constitution, which constitutes India into a sovereign democratic republic. It is a federal system which with parliament from the government in the union and the state. It also constitutes an independent judiciary, guarantees fundamental rights and directive principles of state policy. It contains objectives which taught not if forcible in law but are fundamental to the governance of the nation. ठीक है बेटा मैं पढ़ता हूँ, रुको रुको बाद में पढ़, आप रीड करना पहले, मैं करता हूँ। The rules of a country are known as its laws. इट्स लॉज, जो कंट्री के रूल्स होते हैं उसको हम कानून मानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री हैज टू मेक श्योर दैट पीपल ओबे द लॉज, और जो सरकार होती है, जो देश चलाती है, ये मेक श्योर जरूर करती है कि जो देश के लोग हैं उन कानूनों का पालन करें। जैसे हम जाते हैं सड़क पर तो हमें जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी। अगर नहीं फॉलो करेंगे नुकसान हमारा ही होगा, उस ऊपर से चलान भी कटता है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होता है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपके खिलाफ केस बनता है। तो हमें ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करनी। इफ दे डू नॉट, अगर वो ऐसा नहीं करते, दे पनिश, देखिए अगर आप फॉलो नहीं करते रूल को तो आपको फिर सजा मिलती है। द पुलिस, द कोर्ट एंड द प्रिजन सर्विस कैरी आउट द लॉज, पुलिस होता है, कोर्ट होती है, और जो एंड द प्रिजन सर्विस, जो प्रिजन सर्विस करते हैं ना, प्रिजन सर्विस मीन्स यहाँ पर जो जेल के अंदर जॉब करते हैं, चाहे वार्डन आते हैं जेल के, वार्डन होता है, जेल वार्डन होता है, और जिसको हम बोलते हैं जेलर बोलते हैं, तो वो कानून फिर उनके द्वारा फिर वो इनको चीज़ों को देखते हैं,
पुलिस है, कोर्ट है और जेल वार्डन है, ये कानून को पूरा वो पालन करवाते फिर। टुगेदर दे मेक अप ए सिस्टम ऑफ लॉस एंड ऑर्डर, वो मिलकर क्या करते हैं, मेकअप करते हैं जी सिस्टम ऑफ लॉ का और ऑर्डर का। इंडिया हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड, इंडिया में सबसे पुराना लीगल सिस्टम है कानून व्यवस्था का। इट लॉस एंड ज्यूरिसप्रूडेंस स्ट्रेच बैक इनटू द सेंचुरीज, जो इंडिया का न्यायपालिका है ना वो आज से नहीं है, हजारों सौ कई सौ सदियों से पुरानी है। बेटा 1 मिनट, सॉरी। हाँ जी, कहाँ पर था मैं? हाँ, बोलते जो इंडिया में जो कानून व्यवस्था है न्यायपालिका है वो आज से नहीं है, सदियों पुरानी है। फॉर्मिंग ए लिविंग ट्रेडिशन विच हैज ग्रोन एंड इवॉल्व्ड विद द लाइव्स ऑफ इट्स डाइवर्स पीपल, फॉर्मिंग ए लिविंग ट्रेडिशन विच हैज ग्रोन एंड इवॉल्व्ड द लाइव्स ऑफ डाइवर्स पीपल। देखिए, क्योंकि इंडिया में कोई एक प्रकार के लोग तो रहते नहीं, यहाँ पर कई धर्मों के, कई जातियों के, कई भाषा बोलने लोग रहते हैं, तो इनके जो ट्रेडिशन है वो भी अलग है और अलग टाइप से ये लोग ग्रोन भी हुए थे। लेकिन इन चीजों को जो चीज जोड़ती है वो सभी को कानून है वो मानना पड़ता है, न्यायपालिका में भी यकीन रखना पड़ता है। इंडियाज कमिटमेंट टू लॉज इज स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया टू ए इनटू ए सॉवरेन डोमेस्टिक रिपब्लिक। हाँ जी, जो इंडिया देखिए का कमिटमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेटा वो है, इट्स अ बुक ऑफ लॉ, कानून की किताब है जिसके अंदर सारे के सारे कानून लिखे हुए हैं। चोरी करेगा ये सजा मिलेगी, मर्डर करेगा ये सजा मिलेगी, आप किसी को 420 यानी कि धोखाधड़ी करते हो ये सजा मिलती है, आपको ऐसे सिस्टम को चलाना है, आपको ऐसे सिस्टम को चलाना है, वो सारे के सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा, जो वो बुक ऑफ लॉ है। तो ये इंडिया है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे इंडिया के कंट्री कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है जी, और यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तो ये कमिटमेंट है इंडिया का कि वो कानूनों का लोगों से पालन करवाए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट इज अ फेडरल सिस्टम विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन यूनियन एंड द स्टेट्स, जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम बेटा वो है जहाँ पर सेंटर में अलग सरकार है, स्टेट में अलग सरकार है, सेंट्रल सरकार की सेंट्रल स्टेट सरकार के बीच में दखलअंदाजी नहीं करते दूसरे के काम में, तो वो अपना अपना काम करते हैं, उनकी अपनी जुडिशरी है, अपना अपना एरिया है जहाँ पर वो काम करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म्स है जी जहाँ पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग काम करते हैं। इट इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आती है, ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स आते हैं जहाँ पर आपको
राइट्स मिलते हैं आपके, अधिकार, मौलिक अधिकार, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है स्टेट के, फुल स्टेट पॉलिसी के। इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव्स विच थो नॉट इनफोर्सिएबल इन लॉ, ये वो चीजें हैं जो आपको फोर्सिबल कानून में आप उस पर थोपी नहीं जा सकती, बट आर फंडामेंटल्स टू गवर्नमेंट ऑफ द नेशन, गवर्नेंस ऑफ द नेशन, लेकिन जो फंडामेंटल है वो गवर्नेंस करती है पूरे नेशन को। देखिए, सरकार चलाने के लिए कानूनों की जरूरत पड़ती है, नेशन चलाने के लिए जो गवर्नमेंट कोई भी है, कोई भी सरकार होगी तो कानून के अनुरूप ही, कानून के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगी, वैसे वर्क भी नहीं कर सकती। अगला बच्चा है जी जो पढ़ेगा, कर्ण शर्मा। ये जिन बच्चों ने ना अपना सेक्शन लिखा हुआ, वो बच्चे सारे सेक्शन भी लिखेंगे। अब मैं अटेंडेंस कैसे लगाऊंगा आपको, मुझे यही नहीं पता भी आपका सेक्शन कौन सा है, आईडियो सेक्शन, ये सारे बच्चे लिखो। और अगला कर्ण शर्मा है जो बच्चा रीड करेगा इसको। करो बेटा, कौन रीड करेगा फिर, कौन है पढ़ने वाला? कौन है बच्चा रीड करने वाला? परनीत कौर। बेटा आप रीड करो फिर, अगर क्लास में आए हो तो पढ़ना भी तो है आपको। One of the unique features of the Indian Constitution is that it has generally provided for a single integrated system of court to administer both union and state laws. This is notwithstanding the adoption of a federal system and existence of central acts and state acts in their respective spheres. At the apex of the entire judicial system exists the Supreme Court of India, below which are the high courts in each state or group of states. Below the high court lies a hierarchy of subordinate courts. Panchayat courts also function in some states under various names like Nyaya Panchayat, Panchayat Adalat, Gram Kachahri, etc. to decide civil and criminal disputes of petty and local nature. Different state laws provide for different kinds of jurisdiction of courts. Each state is divided into judicial districts presided over by a district and sessions judge, which is the principal civil court of original jurisdiction and can try all offenses, including those punishable. The sessions judge is the highest judicial authority in a district. Below him there are courts of civil jurisdiction known in different states as munsifs, sub judges, civil judges and the like. Similarly, the criminal judiciary comprises the chief judicial magistrates and judicial magistrates of first and second class. Okay, बेटा, stop. अब देखिए, अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। One of the unique features of the Indian Constitution is that it has generally provided for a single integrated system of courts to administer both union and state laws. देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो संविधान है, उसमें एक यूनिक फीचर आपको नजर आएगा। उसमें वो क्या है कि यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट में काम करता है, चाहे वो आपका काम करता है पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री में एक ही कानून है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपने भी, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो वहां पर आपको कहीं पर तो आपको फांसी हो जाएगी, कहीं पर आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कानून है हर जगह पर सेम ही काम करता है, चाहे वो स्टेट में करे, वो चाहे वो सेंटर में करे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो बुक ऑफ लॉ है, वो अपने अकॉर्डिंग सारे का सारा काम उसमें संविधान में लिखे हुए सारे रूल्स वो उसी को फॉलो करवाते हैं। कौन? कोर्ट फॉलो करता है। और वहां पर सिंगल यूनिक फॉर्म के अंदर सारे कानून है,
तो दोनों टाइप से जो कोर्ट्स है एडमिनिस्ट्रेटर वो सारे वर्क ऐसे ही करता है, ये नहीं कि कहीं पे कुछ और होगा कहीं पे कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी, ये चीजें नहीं होती इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं होती। और स्टेट है तो जो कोर्ट है वो तो सब जगह सेम ही काम करता है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे यूपी में, चाहे बिहार में, कानून तो बराबर ही है पूरे इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट्स है वो वर्क करते हैं। आगे है, दिस इज नॉट विदस्टैंडिंग द अडॉप्टेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल एक्ट एंड स्टेट एक्ट इन द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। अब उसने क्या कहा है, वो कहता है कि जो अडॉप्टेशन है जी फेडरल सिस्टम का वो एग्जिस्ट करता है सेम ही सेंट्रल स्टेट में, दोनों ही स्फीयर्स के अंदर जो वर्क करती है ना हमारी जो जुडिशरी है वो सेम ही वर्क करती है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, वहां पे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है किसकी नहीं है, किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है, क्योंकि वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू लॉ। जो जुडिशरी है हमारी न्यायपालिका है वो वर्क करती है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, वहां पर भी कानून बनते हैं, वहां वो भी बताते हैं, कानून वैसे कोर्ट में नहीं बनते, कानून बनते हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा में या फिर संसद के अंदर कानून बनते हैं, यहाँ पर तो वो लागू होने के बाद उनके ऊपर नजर रखी जाती है कि वो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं नहीं करते। आगे है जी, एट द एपेक्स ऑफ द इंटायर जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिलो विच आर द हाई कोर्ट्स इन ईच स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स। देखिए सबसे टॉप पर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है जी, ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई और कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही दूसरे कोर्ट है जो काम करते हैं, जैसे स्टेट कोर्ट होता है जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, पंजाब हरियाणा का एक ही कोर्ट है, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। अब आप नॉर्थ ईस्ट में अगर देखोगे ना जिसको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, ऐसी जो स्टेट्स है वहां पर कोर्ट मुझे लगता है एक ही है, गुवाहाटी में है वो हाई कोर्ट है, 6-7 स्टेट का वहां पर एक ही कोर्ट है, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट वर्क करता है और हाई कोर्ट के नीचे दूसरे जो कोर्ट है स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो वर्क करते हैं। आगे है, बिलो द हाई कोर्ट्स लाइक ए हायरार्की ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए जी एक सिस्टम चलता है हायरार्की टाइप का कि हाई कोर्ट के नीचे भी दूसरे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, जिसमें आता है पंचायत कोर्ट्स आते हैं, पंचायत कोर्ट्स आल्सो फंक्शन इन सम स्टेट्स, पंचायत कोर्ट्स भी कुछ कई जगह पर फंक्शन करते हैं स्टेट्स के अंदर, कई नाम से वो वर्क करते हैं, जैसे न्याय पंचायत हो गई, पंचायत अदालत हो गई, ग्राम कचहरी हो गई एक्सेट्रा, टू डिसाइड सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स और पैटी लोकल नेचर। पैटी मीन्स छोटी छोटी चीजों को लेकर होता है, कहीं पर झगड़ा हो जाए छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो वो कई बार ऐसा होता है कि गांव के अंदर ही जो पंचायत होती है वही सारे मसले सुलझा देती है, छोटे छोटे मसले पड़े नहीं, छोटे छोटे कोई क्रिमिनल केस होगा छोटा सा, किसी का किसी ने चोट पहुंचा दी, सर पे चोट लगा दी या कोई इंजर्ड हो गया पर्सन, तो फिर वो कोर्ट में नहीं जाता, वो केस वो पंचायत के अंदर ही उसको निपटा दिया जाता, कंपनसेशन दे के या फिर समझौता करवा के, कुछ ऐसे भी होते हैं चीजें जो वो करवाई जाती है, ठीक है जी। लेकिन सारे का सारा अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी जो मर्जी आप थोप दो कानून किसी के ऊपर या कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट स्टेट्स लॉज प्रोवाइड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड करती है स्टेट्स को। ईच स्टेट्स इज डिवाइडेड इनटू ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स प्रेसाइडेड बाय द ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज व्हिच इज प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ज्यूरिडिक्शन and can try of all offense including those punishable। देखिए जो स्टेट है स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद आगे होती है जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जो स्टेट हाई कोर्ट के नीचे वर्क करती है, उसके बाद और भी है हाई कोर्ट के नीचे भी एक सेशन कोर्ट होता है वो भी वर्क करता है ऐसे शायद, तो सारे सारे एक दूसरे से मिलजुल कर वर्क करते हैं, और वो सारे के सारे वर्क कैसे करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ करते हैं, अगर कोई भी पनिशेबल कोई चीज हो तो उसको वो ठीक कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सारा वर्क करते हैं। अब बस दो तीन लाइनें पढ़ के, क्योंकि मेरे ना क्लास ये ओवर होने वाली है,
बाकी हम कल को रीड करेंगे. द सेशन जज इज द हाईएस्ट जुडिशरी जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट. देखिए जो सेशन जज होता है ना वो डिस्ट्रिक्ट अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी पे वर्क करता है. बिलो हिम उसके नीचे देर आर कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिक्शन. उसके अंदर कोर्ट ऑफ सिविल जुडिक्शन भी आता है नोन इन द डिफरेंट स्टेट. जो डिफरेंट स्टेट में डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट नाम से लिया जाता है जैसे मुंसिफ सब जज सिविल जज एंड द लाइक. कुछ इस प्रकार से नाम लिए जाते हैं डिफरेंट स्टेट में. इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वर्क इनका सभी का सेम है. बस यही दो तीन लाइनें रीड करते हैं इसको. नोन एज हाँ ये भी हो गया जी. सिमिलरली द क्रिमिनल जुडिशरी कंप्राइज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास. देखिए आगे उनकी भी क्लासेस दी गई हैं. किनकी जी जजेस की. फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होता है सेकंड क्लास भी होता है चीफ जुडिशियल भी होता है. देखिए एसडीएम भी होते हैं डीएम भी होते हैं और इसके अलावा हम बताएं आपको तहसीलदार भी होते हैं जो सिविल सर्विस से बिलोंग करते हैं और जो वर्क करते हैं एज अ जैसे हम जज के रूप में बोलेंगे वो काम करते हैं. जैसे एसडीएम होता है वो डीएम होता है वो वर्क करते हैं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो वर्क करते हैं. छोटे छोटे मसले वो सुलझा लेते हैं अपने आप ही. बड़े केस हैं छोटे छोटे वो करते हैं. ठीक है बेटा क्लास हमारी हो गई है आज की ओवर. बाकी जो कल को हम रीड करेंगे और ये खुद भी आप भी रीड करके आना चैप्टर. ठीक है मुझे लगानी आप सभी की अटेंडेंस सर. और मैंने कहा था कि बिना आप अपना ना वो नहीं लिखते सारे. ये कर्ण शर्मा मुझे क्या पता किस सेक्शन में बैठा हुआ है तो क्या करूं फिर इसका. मैं ये चैप्टर रीड करना है अपने आप. ठीक है जी बाकी हम पढ़ेंगे कल को. ओके कोई हाँ नहीं कोई ना नहीं कोई सुनता ही भी नहीं है. कैसे बच्चे हैं ये. यस और नो भी नहीं बोलते. चलो बाय बाय बोलो. बाय सर. बाय सर. बाय सर.